नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में इस साल 5 जनवरी को हुई हिंसा के मामले में जांच कर रही दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने लोकल पुलिस को क्लीन चिट दे दी है। 5 जनवरी 2020 को लगभग 100 नकाबपोश लोग लाठी डंडे के साथ यूनिवर्सिटी कैंपस में घुसे थे और 4 घंटों तक यूनिवर्सिटी के अंदर लाठी और डंडों के साथ उत्पात मचाते रहे थे, जिसमें 36 छात्र, शिक्षक और कर्मचारी घायल हो गए थे। इस मामले को लेकर दिल्ली पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगे थे। पुलिस पर आरोप लगाया गया था कि पुलिस जानकर यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर नहीं गई थी। इस मामले पर अब दिल्ली पुलिस ने जवाब दिया है। पुलिस पर लापरवाही और हिंसा क्यों और किसके ओर से की गई, इन सभी मुद्दों पर जांच के लिए दिल्ली पुलिस ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई थी। केस को दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर किया गया था। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं की है। इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली हिंसा के वक्त उस समय सवाल उठ रहे थे कि आखिर दिल्ली पुलिस परिसर के बाहर ही क्यों खड़ी थी जब कैंपस के अंदर हिंसा हो रही थी। इस पर क्राइम ब्रांच ने कहा है कि जब जामिया मिलिया इस्लामिया में पुलिस ने कार्रवाई की थी तो हम पर आरोप लगे थे कि हम बिना इजाजत के जामिया में गए थे, इसीलिए जेएनयू में अंदर जाने के लिए हमें यूनिवर्सिटी प्रशासन की इजाजत चाहिए थी। जेएनयू में 5 जनवरी को सुबह 8 बजे से रात क्या हुआ, इस पर सभी पुलिस वालों ने एक जैसे बयान दिए हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।